बिहार की राजधानी पटना में भी अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है। कल रात पटना में एक मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। सिर्फ बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। सर, बिहार में भी ओमिक्रॉन ने एंट्री दे दिया। नहीं, इस बात का मैं स्वयं अंदेशा जाहिर करता था कि बिहार में कभी भी ये नया वेरिएंट आ सकता है, क्योंकि देश के कई राज्यों में ये पहुंच चुका था और संख्या 700-800 के करीब जब पहुंच चुकी थी तो डर इस बात का रहता ही था। और हम लोगों ने पूरी तैयारी की है किसी भी नए वेरिएंट या कोई नया दौर आता है तो उससे लड़ने के लिए। और जो दो वेव का अनुभव है अपने को या पूरे हेल्थ सिस्टम को जो अनुभव है उसके आधार पर तैयारी की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता का मामला हो या ऑक्सीजन को अस्पताल में उत्पादन का मामला हो, ऑक्सीजन को बेड तक पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन की जरूरत हो, जो डॉक्टर और नर्सिस की और अधिक जरूरत थी वो उसकी आवश्यकता हो तो वो बहाली भी किया गया, जो आईसीयू बेड्स बढ़ाने हैं उसकी भी कार्रवाई मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल के अंदर। तो ये सारे जो आवश्यक कार्य करने हैं कोरोना से लड़ने के लिए और जिसमें हमको अपनी क्षमता वृद्धि करनी थी तो वो काम हमने किया है और लगातार कर भी रहे हैं। अभी भी लेकिन सर बिहार में लोगों को देखा जा रहा है कि सतर्क नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों पर क्या सरकार कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, हम तो बार बार आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 31 तारीख और से लेकर 2 जनवरी तक पार्क और बाकी अन्य सार्वजनिक स्थलों पे भीड़ भाड़ लगाने से मना किया और कराया गया, मकसद यही था कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें हम लोग, और नहीं पालन करेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। तो ये तो हम लोग बराबर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मैं, सब लोग पिछले 1.5 साल से लोगों से अपील करते आ रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा इसमें सहयोग करना चाहिए, हम लोगों को चाहिए। दूसरा सहयोग चाहिए कि सब लोग टीका जरूर ले लें, टीका भी सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई में, तो टीका जरूर ले लें, कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें और जो भी सरकार के समय समय पर सुझाव निर्देश आते हैं उसका अनुपालन करें। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य टीम गई थी मुआयना करने के लिए बिहार, क्या आप लोगों के व्यवस्था से खुश हैं वो लोग? आप सब लोग को ही मालूम है, मीडिया के लोगों को सब चीज मालूम है, टीम ने दौरा भी किया, रिव्यू भी किया और पूरे 100% संतोष जाहिर किया कि बिहार ने जिस प्रकार से टीकाकरण किया है, बिहार ने जिस प्रकार से जांच किया है, बिहार ने जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी है और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या को कम करने में सफलता पाई है, तो केंद्रीय टीम ने बहुत धन्यवाद दिया बिहार को। बिहार में बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी हो गई है पूर्ण, कब से शुरू हो जाएगा और किस तरह की तैयारी किया है बिहार सरकार ने? देखिए, हमेशा से हम लोग भारत सरकार के गाइडलाइन का एक-एक अक्षर पालन करते रहे हैं और जो भी आईसीएमआर का गाइडलाइन रहा है या स्वास्थ्य मंत्रालय का जो गाइडलाइन रहा है उसी के अनुसार काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, हम सब लोग उनके आभारी हैं कि 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था करा दी है और 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से और 60 साल से ऊपर के वैसे लोग जिनको अन्य और कोई गंभीर बीमारी है वैसे लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से ये टीका दिया जाएगा। आखिरी सवाल है, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार है पूरी तरह से, लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नहीं, मैं बार बार कहता हूं और हर दौर में हमने कहा है, सावधानी और सतर्कता हर व्यक्ति को रखनी होगी। हमको यदि लड़ना है तो हम हर किसी के सहयोग से ही इस लड़ाई को जीतेंगे। सरकार के जो प्रयास हैं वो भी प्रयास पूरे तरीके से करेंगे, सरकार को जितनी तैयारी करनी है वो भी करेंगे और लोगों का सहयोग भी लेंगे। और दो हैं, तीसरे लहर यदि कोई आता है या ये ओमिक्रॉन का जो मामला है इससे भी हम जूझ के आगे बढ़ेंगे। साफ तौर से सभी को एकजुट होकर मिलकर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी जीतना है। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।